तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको सूर्यवंशी के रिव्यू में। जैसे कि मैंने आपसे वादा भी किया था, जी मैं सूर्यवंशी का रिव्यू लेके आऊंगा। जी हाँ दोस्तों, मैं अभी हाल ही में सूर्यवंशी देख के आ रहा हूँ। मतलब माइंड ब्लोइंग मूवी, मतलब एक एक सीन, एक एक वहाँ पे जो डायलॉग डिलीवरी की गई है, मतलब मज़ा आ जाएगा आपको सुनने में। अगर थिएटर में जाकर अभी तक आपने मज़ा नहीं लिया भाई, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि हॉलीवुड लेवल की जो फीलिंग है वो ये मूवी हमें दे रही है। जो हमें एवेंजर जैसी मूवी से हम फीलिंग करते हैं कि एक के बाद एंट्री होती होती है, डायलॉग आते हैं भाई, बेहतरीन बेहतरीन डायलॉग आते हैं। और भाई साहब, यहाँ अक्षय कुमार की वोता एक्ट, मतलब एक्टिंग, अब ये मूवी वन ऑफ द बेस्ट मूवी ऑफ द अक्षय कुमार की करियर की, भाई सबसे बेस्ट मूवी मैं आपको बता रहा हूँ, लिख के रख लीजिए। इतनी बेस्ट मूवी, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया भाई। और वहाँ पर जो सिंगम और सिंगम आके भाई, सिम्बा सिंगम ने जो काम किया है, मतलब मज़ा आ जाता है। और यहाँ दोस्तों कैटरीना कैफ एक्टिंग भी भाई लाजवाब एक्टिंग, मतलब मैं सोच रहा था अपन ने ट्रेलर देख लिया, ट्रेलर देखने के बाद बोलेंगे भाई लोग हमें स्टोरी तो पता है, लेकिन स्टोरी तो पता होते हुए भी जब हम मूवी देखने जा रहे हैं भाई, हमें सब बिल्कुल इतना कर्रा लग रहा है। और बेहतरीन सबसे बात ये है कि इस मूवी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा क्लू है जो नेक्स्ट मूवी से जुड़ता है। जी हाँ दोस्तों, तो जैकी श्रॉफ पूरा का पूरा जो ऑपरेशन होता है बम ब्लास्ट वगैरह वगैरह का, वो पूरा का पूरा जैकी श्रॉफ लीड करते हैं। लेकिन दोस्तों जैकी श्रॉफ मारे नहीं जाते पूरे मूवी के अंदर सूर्यवंशी के अंदर। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एंड में सूर्यवंशी की जगह सिंगम आते हैं, और वहाँ पे कॉल करते, जब वो बात कर रहे होते एक दूसरे से, तो सिंगम बोल देते हैं कि भैया मैं तेरे देश में घुस के मारूंगा, और वहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों वो मतलब समझ जाइए कि जो सिंगम 3 आने वाली है, जो जैकी श्रॉफ का जो पूरा का पूरा जो ये मूवी का पूरी ट्रांसफर हो जा रही है, सिंगम 3 के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। ये मूवी की बात मुझे बहुत पहले पता थी, और बहुत से लोगों ने उड़ाई भी थी, और मेरे को कन्फर्मेशन चाहिए था, इसलिए मैं मूवी देखी भाई। और मूवी बहुत ज़्यादा ब्लास्ट है, मैं बता रहा था आपको। और जैसे कि हम जानते हैं, जो पूरे सिंगम 3 होगी, पूरे सिंगम अजय देवगन के ऊपर बेस्ड होगी, जैसे कि सूर्यवंशी पूरी की पूरी अक्षय कुमार के ऊपर बेस्ड थी, लेकिन यहाँ पे सिम्बा और सिंगम को लिया गया था, उसी तरह सूर्यवंशी और सिम्बा को लिया जाएगा उसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा धांसू होने वाली है मूवी। और जैकी श्रॉफ तो भैया क्या लोग किया है, लोग एक एक एक्टर, एक एक मतलब इसमें एक्टर ही एक्टर है भाई। आप देखने जाएंगे तो मतलब एक्टर ही एक्टर है। और यहाँ पे सिम्बा का जो बोल सिम्बा मूवी से 2 विलन भी लिए गए थे, उन्हीं के 2 विलन लिए गए थे, उनको भी दिखाया गया था। और निकेतन धीर की जो उसमें फाइट दिखाई गई है, अक्रम सिंगम रणवीर सिंह और निकेतन धीर जो फाइट दिखाई गई है, मतलब क्या सीन है वो, मतलब मज़ा आ जाता है दोस्तों। मैं आपको अभी बोल रहा, अभी तक आपने भाई देखा ही नहीं है, मतलब बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अक्षय कुमार की करियर की ये वाली मूवी नहीं देखी तो आपने भैया बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर अगर आप मतलब 2 ही दिन हुए अभी तक भाई, और पहले दिन की 30 करोड़ की भाई, 30 करोड़ की ओपनिंग लगी भाई, क्या भाई, मतलब मज़ा आ जाएगा। और यहाँ पे जैसे कि हमें दिवाली के मौके पे हमें बम्पर ऑफर भी मिला है, यहाँ पे सूर्यवंशी मिली, तो यहाँ दिवाली के एंड में हमें, मतलब नवंबर के एंड में हमें यहाँ पे अंतिम दिन फाइनल ट्रुथ भी मिलने वाली है। यहाँ दोस्तों सलमान खान के लिए वो वाली मूवी बहुत अच्छी होने वाली है, वो भी बहुत ज़्यादा धांसू होने वाली है। वो उसमें मुझे सलमान खान का रोल है वो भी बहुत अच्छा है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। देखते हैं उसको देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊँ आगे चल के। आई होप मेरे को आप मेरा रिव्यू जो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा, और मेरे रिव्यू को आप प्रोग्रेस होकर कमेंट कीजिए कि आपको रिव्यू में क्या अच्छा लगा, कौन सा पार्ट अच्छा लगा। आप मुझे कुछ पूछना भी चाहते हैं सूर्यवंशी मूवी से रिलेटेड, तो मैं आपको कमेंट के थ्रू रिप्लाई ज़रूर करूँगा, जिसका बेस्ट कमेंट होगा मैं उसको पिन भी करूँगा। जी हाँ दोस्तों, तब तक मिलते हैं, जय हिंद, टेक केयर, सी यू टाटा अगेन। आसमान के तारे हम हैं, रोशन करे जहां ये, एक जैसे हम तो हैं सारे, फिर क्यों है ये दरारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई।